सर अभी हमने आपका शो सुना और हम लोग आपको हंसी खुशी के रूप में ही जानते हैं, लेकिन आज जो आपने हमको व्यंग के रूप में जो मैसेजेस दिए हैं उससे हम बहुत ही खुश हुए। तो सर क्या चीज थी जिसने आपको इंस्पायर किया कि आप कवि बने? जब कुछ नहीं बन पाता तो इसके सर हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हमारे बच्चे जैसे आपने जितना भी किया था आपकी कविता में कि बहुत तनाव ग्रस्त है, तो आज की जनरेशन जो तनाव ग्रस्त है वो तनाव और हास्य में किस तरीके से सामंजस्य बना के आगे चले? तनाव सोचकर इन आज के बच्चों से पूछता हूँ, अपने पिता से पूछो आज से 25-30 साल पहले न तो घर में था न स्कूटर था ना कोई एसी था, कूलर भी नहीं था उस समय, गर्मी में छत के ऊपर चार पाई पर पानी डालकर सो जाते थे। उससे पूछो क्या कदम में तनाव था? नहीं था। क्यों नहीं था? पहले हम जो कुछ हमारे पास था उस सब संतुष्ट रहे थे। आज क्या दिक्कत है? मेरी दो गाड़ियां घर में खड़ी है वो मुझे सुख नहीं देती, पड़ोसी की तीन गाड़ियां मुझे तकलीफ देती, पड़ोसी की छोड़ो मेरे सगे भाई के पास भी अगर मेरे पास ज्यादा संपत्ति है वो मेरे दुख का कारण। हमने ऊपर देखना शुरू कर दिया, पहले नीचे देखते थे तो एक गज के नीचे जमीन दिखाई दे रही है, आज आप ऊपर देखोगे तो आप लोग लगेगा कहीं नहीं है। हम जैसे लोग आज इस देश में अगर 125 करोड़ आदमी तो कम से कम मैं मानता हूँ 110 करोड़ से तो ऊपर जिंदगी जी रहे हैं, वो 110 करोड़ से जो ऊपर जी रहे हैं वो हमारा सुख का कारण नहीं, मेरे से ऊपर जो 15 करोड़ है वो मेरी तकलीफ का कारण। तो हमारी सोच से तनाव पैदा किया, अगर सोच में हमारे तनाव नहीं तो आज सबसे सुखी गाड़ी मेरी गाड़ी में एसी है, मेरे घर में एसी है, मेरे ऑफिस में एसी है, जो कभी मैंने जिंदगी में कल्पना नहीं की थी, एक मोबाइल की जगह दो दो मोबाइल हो गए मेरे पास, सब कुछ है। तनाव इस बात का है कि मेरे बगल वाले के पास मेरे से। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत ही सरप्राइजिंग वे में आपने जवाब दिया। संतोष जो पूंजी है वो हमारे पास नहीं है, संतोष की पूंजी मुझे आदमी रखूं सब हो जाएगा। आदमी को अपनी मेहनत करनी चाहिए, रुकना कभी भी नहीं चाहिए, जो मिल जाए वो मेरा रखना बस। और मेरा मानना है जिंदगी में अगर आप 50% डिजर्व करते हो पार्टनरशिप करते हो तो 45% लेने की कोशिश करो, जिस दिन 55 लेने की कोशिश करो उतना ना पड़े, जिस दिन 45 पर तैयार हो जाओ का प्रश्न। सर एक क्वेश्चन मैं अपने पापा की तरफ से पूछना चाहती हूँ, बचपन से हम लोगों ने आपको टीवी पे देखा है हंसते हुए, जब आप बीवी के ऊपर जोर मारते हैं हमारी मनाड़ी, पापा जब खुश होते थे तो मम्मी जब उनकी तरफ देखती थी बहुत खुश हो रहे, तो आप जब अपने घर पे जाते हैं इस तरीके के जो देने की बात, तब आपकी वाइफ क्या रिएक्ट करती है? रिएक्ट क्या करती है? सारी कमाई उसे ले लेती है, मैं तो उसकी तरफ से डेकोरेशन पर काम जेब खर्चा वो देती है, कमा कर मैं उसे देता हूँ, मुझे नहीं देना जेब खर्चा निर्धारित करती हूँ, इससे ज्यादा तो नहीं देना। और सर हमारे मेडिकल्स विश्वविद्यालय का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आज की शाम हम किस तरीके से लेंगे? देखिए स्टूडेंट्स का भी कोई बुरा नहीं, आप उसका डायरेक्शन, मुझे याद है कि मैं श्रीराम कॉलेज में पढ़ा तो हमारे प्रिंसिपल थे एक स्टूडेंट जो है कॉरिडोर में सीख रही है वैसे आपने वो अपने कम और बोले बेटे तुम यहाँ इसी कॉरिडोर में पढ़ती इंस्टीट्यूट में वो लड़का रोने लगे हुए और जिंदगी में मेरे ख्याल से उसने सीख रही तो हाउ टू बिहेव हाउ टू एक्ट ये बहुत ज्यादा। मैं सबसे दिक्कत क्या है हमारे जो माँ बाप बच्चों को छोटे बच्चों को अनुशासन स्कूल में सीख कराते
घर में आते हैं, बच्चा कहीं काफी फेंकता है, बस का फेंकता है, जूते फेंकता है, और आप उसकी लीलाओं को सुन लो। जो अनुशासन स्कूल में सीखता है आप एक मिनट में सुन कैसे सीखते, उसी अनुशासन में आपने आगे बच्चों को तो जागा रहता। हम तो माँ बाप से भी मार खाते थे और बड़े हो गए तो बच्चे भी मारने को तैयार रहते हैं। माँ बाप से मार खाने के बावजूद भी कभी 1% माँ बाप को ये नहीं लगा कि मैं 100% उनके साथ हूँ। मेरी पत्नी कुछ डिमांड करते तो शायद मैं मना कर दूँ, लेकिन माँ बाप अगर कुछ कह दें तो मेरे लिए होता है। बच्चों के लिए आपका क्या संदेश है कि किस तरीके से अपना जीवन ठीक करना चाहिए? बच्चों को एक ही संदेश देना चाहता हूँ, जितने भी संदेश देने वाले उनसे बच कर अपने खुद निर्णय क्षमता लेना, अपनी खुद निर्णय क्षमता लेंगे तो आप अनुयायी नहीं होंगे, आप मार्गदर्शक होंगे। अगर किसी की बात मानेंगे तो आप अनुयायी हो सकते हो, मार्गदर्शक नहीं। थैंक यू सो मच, आपने इतना समय निकाला। धन्यवाद।